वर्तमान की शक्ति, आपका फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में नहीं। पास्ट के बारे में नहीं सोचना, पास्ट के बारे में सोचने से सोल की एनर्जी कम होती है, इसलिए पास्ट के बारे में ना सोचे, क्योंकि हमें विल पावर चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। कर दी गलती आपने, हो गया, बीत गई वो बातें, बीत गया वो समय, अब उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है आपको। आप क्या थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या बनना है, क्या करना है अभी आपको वर्तमान में, वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या थे वो मायने नहीं रखता, बल्कि आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, वो मायने रखता है। आज आपका दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपको अवेयरनेस आई है, नॉलेज मिली है, तो पास्ट के बारे में सोचना छोड़ो, वो बीत गया सो बीत गया, एक सपना समझकर भूल जाओ उसे, वर्तमान में जियो। आपको प्रेजेंट में क्या करना है ये सोचो, क्योंकि आपका आज का काम, आपका आज का नॉलेज आपका आने वाला कल यानी फ्यूचर बनाएगा। आप अपने वर्तमान को यूं ही वेस्ट मत करो, वर्तमान की शक्ति को पहचानो और अपने प्रेजेंट में ऐसा काम करो जो आपके लिए बेहद जरूरी है, ऐसा काम करो जो आपका भविष्य बनाए। आपको अपने वर्तमान के हर एक पल की कीमत समझना होगा, तभी आप भविष्य में सफल बन पाएंगे। आपको अपने वर्तमान की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अतीत यानी कि पास्ट को भुलाना होगा। आपके साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी जैसा भी सीन हुआ, उसे एक सपना समझकर भुला दो। अब आपके पास वर्तमान में अपने विचारों, शब्दों और कामों को चुनाव करने का पूरा पावर है। आपके पास बदलाव लाने का टैलेंट है, क्योंकि आप पूरी तरह वर्तमान में जी रहे हैं, आपका पूरा फोकस वर्तमान में है, आपकी पूरी शक्ति वर्तमान में काम कर रही है। जब आप भूतकाल में बीती हुई बातों को और घटनाओं को भुलाते हैं और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना और चिंता करना छोड़ देते हैं, तब आपका पूरा ध्यान वर्तमान में होता है और आपकी वर्तमान की शक्तियाँ एक्टिव होती है। यहाँ पर और इसी समय हमारे मन में यह बेईमानी है कि कब से हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न या धन की कमी या पुरानी सोच होती है, पर हम आज और अभी से बदलाव शुरू कर सकते हैं। हमारी जो अभी तक की स्ट्रेटेजी थी, जिन शब्दों को, जिन विचारों को हमने बार बार यूज़ किया, उन सब ने हमारा जीवन बनाया है, पर वह सब भूतकाल की सोच थी, लेकिन अब हमें वर्तमान में जीना है। जब हमें हर हाल में वर्तमान में जीना है, तो फिर हम क्यों भूतकाल का पछतावा करें और भविष्य की चिंता करें। आप अपने वर्तमान के कामों को बेहतर बनाइए, आपका भविष्य खुद ब खुद बेहतर बन जाएगा। आपका आज का जो वर्तमान है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसका सदुपयोग करिए। ये आपका आज का वर्तमान ही है जो आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। आपका वर्तमान ही आपको भविष्य में अमीर और सक्सेसफुल बनाता है, इसीलिए तो इस वर्तमान की शक्ति को पहचानना बेहद जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है अपने आप को वर्तमान में काम पे लगाना। आपका ये वर्तमान ही सर्वशक्तिमान है, जो आपका एक पल चला गया सो चला गया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप अपने वर्तमान में कुछ ऐसा काम करो जो आपको सफल बना सके, आपको लोग जान सके। आपके वर्तमान के काम से ही आपका भविष्य में नाम बनता है, और आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे वर्तमान का कैसे इस्तेमाल करना है, किन कामों को करने से अपना भविष्य बना सकता हूँ, ये सब आपको सोचना और समझना होगा, क्योंकि ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। वर्तमान की शक्ति को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में सोचना है, वर्तमान में जीना है, अपने वर्तमान को बेहतर बनाना है, क्योंकि ये वर्तमान की शक्ति ही आपको भविष्य में सफल बनाती है। आपके वर्तमान का हर एक पल बहुत शक्तिशाली है, आपके वर्तमान से ही बदलाव की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप फालतू की बातों को, नेगेटिव विचारों को और अपने पुराने विचारों को पीछे छोड़ सकते हैं, और अभी और इसी समय से अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
अब बात आती है फ्यूचर की। हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा वीकेंड्स प्लान क्या होगा, सक्सेसफुल बनने के आइडिया सोचते हैं, कुल मिलाकर बेहतर भविष्य बनाने के बारे में सोचते हैं। तो भविष्य बनाने के बारे में सोचना या भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुत्ते बिल्ली को तो देखा ही होगा, कभी कभी वे पानी या मिट्टी में लौटते हैं, लेकिन जब वे उठते हैं तब वे अपने शरीर को हिलाकर सब नीचे फेंक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी भविष्य के बारे में सोचना है, लेकिन अपने प्रेजेंट में सबसे इम्पोर्टेंट कामों को बंद नहीं करना है। आपको अपने प्रेजेंट के कामों को करने के लिए जागरूक होना है, क्योंकि आपका वर्तमान ही आपकी शक्ति है, आपकी सफलता है। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, अगर आपने वर्तमान का सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया तो आपने अपने वर्तमान में रहकर अपना विकास करना सीख लिया। अगर आपने वर्तमान में रहकर भविष्य में झांक लिया, यानी वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी वर्तमान की शक्ति आपको भविष्य में नजर आएगी। जब आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, आपके पास्ट में बीती हुई बातों को याद करके पछतावा कर रहे होते हैं, दरअसल तब आप अपना हर एक पल खो रहे होते हैं। आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए सबसे शक्तिशाली है। आपका वर्तमान ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए वर्तमान की शक्तियों को समझना होगा। अपने माइंड को अभी से हर पल वर्तमान में काम पर लगाए। आपको अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना है, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है। आपका माइंड बहुत चंचल होता है, हम भले ही वर्तमान में होते हैं, लेकिन हमारा माइंड और कहीं घूम रहा होता है, अजीबोगरीब बातें सोच रहा होता है। लेकिन अपने माइंड को आपको काम पर लगाना है, आपको कंट्रोल करना है और हर पल वर्तमान में फोकस करना है, और फिर देखना ये वर्तमान की शक्ति आपको जल्दी सफल बना देगी। आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से खुद से एक वादा करो कि हम अपना पूरा फोकस वर्तमान में रखेंगे और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।